talk about the concept of disaster, hazard, vulnerability, exposure, and capacity. तो डिज़ास्टर जो है इट इज़ एज ओल्ड एज मैनकाइंड। जब से हज़रत आदम दुनिया में आ गए हैं तब से जो है डिज़ास्टर होते आ रहे हैं। तो मेथोलॉजिकली अगर हम देखें कुरान में भी मेंशन किया गया है, जब नूह अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने एक कश्ती बनाई थी बिकॉज़ उनको अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसा सैलाब आने वाला है। देन दैट उससे हम पता लगा सकते हैं कि डिज़ास्टर का कैसा कितनी पुरानी हिस्ट्री है। तो कुछ और भी जो है फेथ्स, जो ग्रीक मैथोलॉजी, पुराना मेसोपोटामियन स्टोरीज में एंड कल्चर्स में बहुत जगह मेंशन किया गया अबाउट डिज़ास्टर, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, मोस्टली जो है ड्रॉट्स, फैमाइन, जैसे हज़रती यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जैसे वहाँ पे फैमाइन आ गया, कहत साली आ गई थी, फिर उनको जो उनके जो भाई वगैरह है उनको आना पड़ा। तो ये सब हम मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डिज़ास्टर बेसिकली बहुत पुराना एक है, जब से अर्थ बनी है तब से होते आ रहे हैं। देन इटाइमोलॉजी मतलब ये बेसिकली जो डिज़ास्टर वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ है। तो डिज़ास्टर जो है डस्ट, एस्टर, डस्ट मीन्स बैड, एस्टर मीन्स स्टार, यानी बैड स्टार। बेसिकली डिज़ास्टर को रिलेट किया गया जाता था पहले कोई ऐसा स्टार जो स्काई में दिख जाए एट पर्टिकुलर ईयर या कुछ सालों के बाद दिखता है, एंड देयर वाज सम कोई कोइंसिडेंस कि कोई डिज़ास्टर उस टाइम आता है। बेसिकली यहाँ पे भी कश्मीर में भी हमने बहुत बार सुना है जब भी कोई कमेंट या बेसिकली लचदार तार छुना, तो जब भी वो कमेंट आसमान में दिखता था तो ऐसा मतलब बोलते थे हमारे बुजुर्ग कि अब शायद कोई ऐसा डिज़ास्टर आने वाला है, पर्टिकुलरली फ्लड्स। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी जो लिटरेचर में मेथोडोलॉजीज में फिर ये धीरे धीरे ऐसे करके बैड स्टार से इसको रिलेट किया जाता था डिज़ास्टर को। तो बेसिकली देन जो है इटालियन में इसको इवॉल्व, ये टर्म इटालियन में इवॉल्व हुई जिसको डिज़ास्ट्रो फिर कहा गया, एंड देन फ्रेंच टर्म में फिर ये डिराइव हो गई, देन इसको डिजास्टर बोलते थे। फ्रेंच में डिजास्ट्रे एंड जो है अब इंग्लिश में हम इसको डिजास्टर बोलते हैं। तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ग्रीक से फिर इटालियन देन फ्रेंच में इसको मॉडिफाई, ये जो वर्ड है बहुत मॉडिफाई हुआ है डिजास्टर। अब डिजास्टर होता है क्या है? डिजास्टर एंड ऑकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी और एन एरिया। तो इसका क्या मतलब है? एक कोई भी ऑकरेंस, कोई भी ऐसा इवेंट जैसे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, वॉल्केनिक इरप्शंस हो, जो डैमेज करे, डैमेज किसको करे? इकोलॉजिकल डिसरप्शन करे, मतलब कोई इकोलॉजिकल कंडीशंस हो किसी एरिया में, फॉरेस्ट हो है वो तबाह करे या अर्बन एरिया है उसको तबाह करे, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ जो जानी नुकसान है उसको करे, डेटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज या जो हमारी सेहत है या और भी सर्विसेज है रिलेटेड टू हेल्थ उनको डैमेज करे ऑन लार्ज स्केल, जो ज़रूरी है उसके लिए, जो हमारा बाहर से हेल्प आना, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कोई डिज़ास्टर आता है तो बाहर की कम्युनिटीज़ जो सेफ होती है वो उनको हेल्प करती है, मींस उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए डेफिनेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, एंड देन अमेरिकन रेड क्रॉस है उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज एन ऑकरेंस आइदर नेचुरल, नेचर और मैन मेड कॉजेस। जो डिजास्टर के बेसिकली जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, जो डिजास्टर दो टाइप्स के होते हैं,
नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल में जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह जो हम सुनते आ रहे हैं, देन मैन मेड में भी है, जैसे ऑयल स्पिल्स है, केमिकल स्पिल्स है, कैंपस शूटिंग है, बहुत सारे और है। तो इनसे अगर ह्यूमन सफरिंग्स इंक्रीज हो गई एंड क्रिएट्स ह्यूमन नीड दैट विक्टिम कैन नॉट एलिविएट विदाउट असिस्टेंस। कोई भी ऐसी जो नेचुरल और मैन मेड ऑकरेंस होगी जिससे ह्यूमन की सफरिंग यानी उनका जो सफ़र करना, वो कोई पेन होगी या कोई भी इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, मींस वो सफरिंग ही होगी ह्यूमन के लिए, या ह्यूमंस के लिए मतलब ह्यूमंस को ऐसा नुकसान पहुंचता है कि वो खुद के बलबूते पे वो ठीक नहीं कर सकता, उससे बाहर नहीं निकल सकता, एंड देन इट नीड्स असिस्टेंस। तो इसको डिजास्टर बोलते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ हैजार्ड, देखो डिजास्टर एक 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 कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस मींस एक मतलब रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल, हम आगे इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फ्लड आया, ठीक है, अगर ये फ्लड उस लोकेशन में आएगा जहाँ पे कोई भी बस्ती वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, जानी माली कोई नुकसान नहीं होगा, तो वहाँ पे इसको डिजास्टर नहीं कह सकते, बिकॉज देर इज़ नो लॉस। जो हमने डिफिनेशन में ही पहले बताया कि जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ करे, हेल्थ हेल्थ सर्विसेज जो भी है, तो बट जो हैजार्ड होता है दैट इज़ एन इवेंट, ठीक है, इवेंट होता है, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये इवेंट होते हैं, तो डिजास्टर इनका कॉन्सिक्वेंस होता है, दोनों डिफरेंट है। तो हैजार्ड क्या होता है? एनी फिनोमेनन दैट हैज पोटेंशियल टू काज डिसरप्शन और डैमेज टू पीपल एंड देयर है। कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें एक सलाहियत हो कि जो डैमेज करे लोगों में या उनके एनवायरमेंट में, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक। अगर हम अर्थक्वेक प्रोन जोन में रह रहे हैं तो वहाँ पे हमने घर वगैरह तो ऑब्वियसली बनाए होंगे, रेजिडेंशियल जो है एरिया होगा, वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो ऑब्वियसली वो डैमेज करेगा पीपल एंड देयर लाइव्स। और अगर हम फॉर एग्जांपल कोई आइलैंड है उस पे कोई नहीं रहता है और वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, तो दैट इज़ हैजार्ड। मीन्स हैजार्ड को हम रोक नहीं सकते एंड दैट विल हैपन, जो नेचुरल है वो होते हैं, तो एक फिनोमेनन होता है, बट अदर फैक्टर्स भी इसके साथ जब मिलते हैं देन इट काज डिजास्टर। तो ए नेचुरल हैजार्ड इज ए नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक इवेंट। जैसे डिजास्टर जो इवेंट्स जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो भी नेचुरल एज ए रिजल्ट ऑफ हैजार्ड जो नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, उससे जो कॉन्सिक्वेंस डेवलप होंगे वो भी ऐसे ही क्लासिफाई होंगे, नेचुरल और मैन मेड। ए हैजार्ड इज परसीव्ड नेचुरल इवेंट विच थ्रेटनस बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी एंड लाइफ को थ्रेट करता है। तो ए डिजास्टर इज रियलाइजेशन ऑफ हैजार्ड। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजास्टर इज रियलाइजेशन ऑफ हैजार्ड। देखो एक हैजार्ड होता है, जब कोई कम्युनिटी की वल्नरेबिलिटी होगी या वो एक्सपोज होगी टूवर्ड्स द पर्टिकुलर हैजार्ड, और वहाँ पे जब वो एक्सपोजर एंड जब वो कम्युनिटी मीट करती है टू द हैजार्ड, या कम्युनिटी किसी कम्युनिटी पे हैजार्ड स्ट्राइक होता है बिकॉज ऑफ इट इज वल्नरेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट इज एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ इट इज इनकैपेबिलिटी टू हैंडल द हैजार्ड, तो वहाँ पे डिजास्टर होता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से और भी आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप मतलब अच्छे से समझेंगे। व्हेन हैजार्ड इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, वल्नरेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज टू टर्न, इट टर्न्स इनटू डिजास्टर। यही मैं से पहले कह रहा था कि अगर एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, डिजास्टर, वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी जब मिलते हैं हैजार्ड के साथ, तो रिस्क ज़्यादा भी हो सकती है, वल्नरेबिलिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है, उसकी कैपेसिटी किस तरीके की होगी, तो वैसे ही डिजास्टर भी होंगे। तो हैजार्ड मे बी इनइविटेबल बट डिजास्टर कैन बी प्रोवेड। जैसे हैजार्ड जो होते हैं, वही मैंने कहा पिछली स्लाइड में, हैजार्ड होते हैं बट हम डिजास्टर को रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन जो हम प्लानिंग वगैरह करते हैं, जैसे मिटिगेशन, प्रिवेंशन, हम वो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आपको भी पढ़ना है इसमें आगे जाके।
हम डिजास्टर को रोक सकते हैं बट वी कैन नॉट स्टॉप हैजार्ड। तो ये आप याद रखिए ये दो टर्म, एक तो डिजास्टर इज रियलाइजेशन ऑफ हैजार्ड, देन हैजार्ड मे बी इनएविटेबल, मीन्स कि हैजार्ड को हम हैजार्ड कभी कभी रोक भी सकते हैं बट मोस्टली हम रोक नहीं पाते हैं, बट डिजास्टर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद सर्टेन मेजर्स। अब हम डिजास्टर को अभी रहने देते हैं, हैजार्ड को रहने देते हैं, बट वी विल डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए कम्युनिटी सिस्टम और एसेट दैट मेक इट ससेप्टेबल टू डैमेज इफेक्ट्स ऑफ ए हैजार्ड। वल्नरेबिलिटी एक करेक्टरिस्टिक होता है या सरकमस्टेंस होते हैं, एक करेक्टर होता है या सरकमस्टेंसेस होती है ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की मतलब एक सरकमस्टेंस होती है या मतलब कोई ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें वो ससेप्टेबल होती है टूवर्ड्स द डैमेज, मीन्स उसको खतरा लाहक होता है फॉर डिफरेंट हैजार्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, ऊपर से पत्थर आ गया तो यहाँ पे इसकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर से पत्थर नीचे आ गया, ये जान से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो, अगर ये बंदा यहाँ पे नहीं होगा कहीं और होगा फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये पत्थर नीचे भी आएगा देन इट्स वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे इसकी वल्नरेबिलिटी भी अगर वहाँ पे इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ पे है, तो यहाँ अगर पत्थर नीचे भी आएगा इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल ये लैंडस्लाइड हो गई यहाँ पे, या पत्थर नीचे आया, यहाँ पे कोई घर बना है, ठीक है, तो घर का जो घर की जो वल्नरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर से पत्थर आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कि कोई कम्युनिटी इस इलाके में रहती है जिसमें हैजार्ड्स अगर आएंगे देन द कम्युनिटी इज मोर वल्नर। जैसे कश्मीर वैली जोन 5 में है, ठीक है, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आएंगे तो यहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है। वजह एक, क्योंकि यहाँ पे बहुत घनी आबादी है पर्टिकुलरली श्रीनगर सिटी, देन सेकंड इज जो यहाँ पे हम घर वगैरह बनाते हैं दैट दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू द अर्थक्वेक। नॉर्मली जो अर्थक्वेक आएगा थोड़ा सा भी झटका आएगा जोर से वो सारे ढेर हो जाएंगे सारे मकान, क्योंकि वो उसमें उस टाइप का मटेरियल नहीं लगता है, शॉकर्स नहीं लगाते हैं। ये जान के भी हम जोन 5 में हैं देन ओवर वल्नरेबिलिटी उससे बहुत इंक्रीज होती है। अगर डिजास्टर अर्थक्वेक आएगा तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपको तो पता ही है जैसे फ्लड्स आए तो जो है उस फ्लड्स में भी हमारी वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा थी, ये तो हमको नहीं पता था। गवर्नमेंट एजेंसी जो इस पे काम करती है उनको पता होना चाहिए थे हाउ वल्नरेबल इज कश्मीर वैली फॉर द फ्लड्स। अगर जहलम में आए उसमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स उनको मेजर करने चाहिए थे, उन्होंने किए होंगे या नहीं किए होंगे आई डोंट नो, बट उससे पता चलेगा कितना हम वल्नरेबल है टूवर्ड्स पर्टिकुलर डिजास्टर, पर्टिकुलरली फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। देर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल। जैसे ये फिजिकल एस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खड़ा है ऊपर से पत्थर आ गया एंड ही इज़ वल्नरेबल। देन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उस टाइप की जो है बिजनेसेस है फॉर एग्जाम्पल कोविड में, एंड देन वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो गई, उनकी जो है बिजनेस लॉस हो गया, या यहाँ पे बहुत सारी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज, उनकी सेल्स इंप्रूव नहीं हो रही है, देन वो भी है। तो वैसे ही सोशल सोशली जो कोई सोसाइटी ज़्यादा वल्नरेबल होती है, जैसे अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं दलित्स एंड हिंदूज में आपस में बहुत दलित्स पे वो होता है, जुल्म होता है, देन उसको हम सोशल सोशली वो कितने वल्नरेबल, अगर वो किसी कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे उसके जो अपर कास्ट है उस पर जुल्म ज़्यादा करते हैं तो उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर वो मर गया ना दैट्स ऑल्सो डिजास्टर, ठीक है। तो वैसे ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिससे वल्नरेबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। तो वल्नरेबिलिटी जो है इसका जो है डिग्री जो इसकी डिफिनीशन है इसको, तो इन्होंने वल्नरेबिलिटी को किया डिग्री ऑफ लॉस, डिग्री ऑफ लॉस टू ए गिवन एलिमेंट और सेट ऑफ एलिमेंट्स एट रिस्क। जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ह्यूमंस या प्रॉपर्टीज, इसको एलिमेंट बोलते हैं, ये कितने रिस्क है
रिजल्टिंग फ्रॉम ऑकरेंस ऑफ हैजार्डस फिनोमिनन ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड। कोई भी फिनोमिनन आएगा, कोई किसी भी मैग्नीट्यूड का, उसका क्या इसके साथ रिस्क होगा टूवर्ड्स पर्टिकुलर हैजार्ड। और ये एक्सप्रेस किया जाता है फ्रॉम स्केल जीरो, जिसमें डैमेज बिल्कुल नहीं है, एंड देन वन, जिसमें टोटल लॉस है। तो फॉर एग्जांपल, ये बंदा यहाँ पे जा रहा है, एंड इसमें एक टर्म है रेजिलियंस, रेजिलियंस बेसिकली। तो ये बंदा जा रहा है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इस लाइटनिंग के लिए वल्नरेबल है और ये शॉक की वजह से फॉर एग्जाम्पल मर गया। बट एक टर्म होती है कोई भी कम्युनिटी के लिए, रेजिलियंस। अगर ये शॉक भी आ गया, बट इसमें कोई ऐसी कैपेसिटी है, इसमें ऐसे कुछ कपड़े पहने हैं जिसकी वजह से इसको शॉक नहीं लगा, बट ये स्टिल सरवाइव किया और ये फिर से अपनी स्टेज पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि हम बहुत वल्नरेबल है टूवर्ड्स फ्लड्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स आ गए, देन हमारे पास उतनी कैपेसिटी है। फ्लड्स के बाद हम फिर से उस स्टेज पे आए जो हम हमारी हमारी जो पहचान, हमारी जो कंडीशंस फ्लड आने से पहले थी। तो उस स्टेज पे आने के लिए कितना हमें टाइम लगे, रेजिलियंस बोलेंगे, कितना हमें कितनी कितनी हमारे हम में सलाहियत है, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। तो वल्नरेबिलिटी जो है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपोजर, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। देखो, अब कोई भी कम्युनिटी कितनी वल्नरेबल है, इट डिपेंड्स कि उसका कितना एक्सपोजर है। फॉर एग्जांपल, ये कितना एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द हैजार्ड, इसको हम एक्सपोजर कहेंगे। देन रेजिस्टेंस, हो सकता है इसमें यहाँ पे कोई वॉल बना हो। फॉर एग्जांपल, अगर पत्थर ऊपर से आएगा ही, उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, एंड दैट इज रेजिस्टेंस। एंड रेजिलियंस, अगर ये इसको कुछ जख्मी वगैरह हो गया, एंड देन इसमें उतनी ताकत है, पैसा है, तो ये अपने आप को ठीक करवा सकता है, दैट इज रेजिलियंसी। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ। वल्नरेबिलिटी में बोल रहा था एक्सपोजर रेजिस्टेंस। अगर एक्सपोजर कम होगा फॉर एग्जांपल, एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिलियंस ज़्यादा होगी, तो वल्नरेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर एक्सपोजर कम होगा, पर अगर एक्सपोजर ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिलियंस भी कम होगी, वैसे ही इसकी जो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम चार्ट पे हम देखेंगे, जैसे ये एक्सपोजर टू हज़ार अगर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कैपेसिटी टू कोप, उस हज़ार को कोप करने की कैपेसिटी, हम वल्नरेबिलिटी को कैसे हम करेंगे, जो बेसिकली रेजिस्टेंट एंड रेजिलियंस होगी, ये कैपेसिटी टू कोप है, ये दो, ये वाले, ठीक है। तो अगर एक्सपोजर ज़्यादा होगा फॉर एग्जांपल, एंड कैपेसिटी उसको कोप करने की ज़्यादा होगी, देन वल्नरेबिलिटी इज लो। और अगर हैजार्ड जो उसकी उसका जो एक्सपोजर ज़्यादा है, कम है, एंड देन कैपेसिटी टू कोप भी ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली द रेजिलियंस द वल्नरेबिलिटी विल बी वेरी लो। तो अगर यहाँ पे एक्सपोजर टू हैजार्ड बहुत ज़्यादा है, एंड कोपिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है, देन द वल्नरेबिलिटी विल बी वेरी हाई। तो इससे आप पता लगा सकते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। ये तो टर्म है, इसके बदले आप कोपिंग कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, और कैपेसिटी टू कोप द पर्टिकुलर हैजार्ड। तो यहाँ पे एक्सपोजर यहाँ पे डिफाइन किया है एट रिस्क प्रॉपर्टी, कोई भी पॉपुलेशन या प्रॉपर्टी रिस्क पे होती है उसको एक्सपोजर बोलते हैं। रेजिस्टेंस, मेजर टू टेकन टू प्रिवेंट, अवॉइड एंड रिड्यूस द लॉस। कोई भी मेजर हम करते हैं, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट या कोई भी हम पॉलिसी वगैरह लगाते हैं, जिससे जो हैजार्ड है वो प्रिवेंट होता है, अवॉइड होता है, या उसका लॉस कम होता है। और रेजिलियंस क्या होती है, एबिलिटी टू रिकवर प्रेयर स्टेट और अचीव डिजायर पोस्ट डिजास्टर स्टेट, या अपने बिल्कुल डिजास्टर के बाद अपनी पहली वाले स्टेज पे वापस आना। मींस अगर फ्लड आया तो हम फिर से, जैसे फ्लड आने से पहले हम कारोबार वगैरह करते थे, रहते थे उस स्टेज पे, फिर से आए, या हमारे जो पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज़ है उनको मीट करके अपना जो पोस्ट डिजास्टर स्टेट पे फिर से आए। बेसिकली जो उसमें रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी होता है पोस्ट डिजास्टर में, उसको मीट करें आप।
तो इसमें कुछ एरियाज है जिसमें इस चार्ट में मेंशन किया गया है फॉर पर्टिकुलर डिजास्टर, जैसे लैंडस्लाइड्स का भी हम देख सकते हैं कौन कौन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, कौन कौन से एरियाज दे आर मोर वल्नरेबल फॉर द क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्लाइड्स। जैसे ये पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ से दिल्ली से हम यहाँ आते हैं इस एरिया से, वैसे भी यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे जो जैसे पीर पंजाब वगैरह साइड ये वाला इस मोर प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स। वैसे ही अर्थक्वेक के लिए ये कश्मीर वैली है इस रेड, तो ये मोर प्रोन है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो हैजार्ड्स है जैसे अर्थक्वेक में कौन कौन सी जगह ज़्यादा वल्नरेबल है, तो इसमें अडोड़ा, रामबन, किश्तवाड़, जम्मू जो है, और भी बहुत सारे एरियाज़ है जम्मू कश्मीर स्टेट के। तो फ्लड्स के लिए कौन कौन से एरियाज़ जो है ट्रिब्यूटरीज, जो आसपास इलाके हैं ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ जहलीम, इंदस, चनाब, तवी रिवर है इनके आसपास जो इलाके हैं, एवलांच्स यहाँ पे भी मेंशन किया है कौन कौन से एरियाज है, वैसे ही लैंडस्लाइड, ड्रॉट एंड विंड स्टॉर्म के लिए। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस एरिया में कौन सा डिजास्टर आने की ज़्यादा चांसेस है, और कौन सा ये वल्नरेबिलिटी किस एरिया की किस डिजास्टर के लिए ज़्यादा है। अब नेक्स्ट टर्म जो है रिस्क है, तो रिस्क होती है प्रोबेबिलिटी दैट कम्युनिटी स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल एरिया जो डैमेज होने की जो रिस्क होती है। इसमें मैंने कुछ एक दो टर्म, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट कम्युनिटी स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल एरिया इज टू बी डैमेज्ड और डिसरप्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर हैजार्ड मींस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस ऑफ ऑकरेंस, मतलब क्या ऑकरेंस होने की है, फ्लड आने के कितने चांसेस है, फॉर एग्जांपल ऐसे हम बता सकते हैं। तो उससे एक प्रोबेबिलिटी जनरेट होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती दो टर्म्स है, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, दोनों यूजुअली सेम यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब किस डिग्री में, मतलब किस कितना मतलब कितने परसेंट चांसेस है फॉर कमिंग ऑफ द डिजास्टर, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी पॉसिबिलिटी होता है कि हम ऐसे रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाँ हो सकता आएगा, मगर कितना आएगा, किस फ्रीक्वेंसी में आएगा, कब आएगा, देन दैट विल बिकम द प्रोबेबिलिटी। तो क्या डैमेज होगा फॉर पर्टिकुलर एरिया, वैसे उसको रिस्क बोलते हैं, ऑन एन अकाउंट ऑफ जो नेचर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉक्सिमिटी टूवर्ड्स द हैजार्ड्स जो है, डिफरेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ थ्रेट्स एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज टू ऑब्टेन डैमेज और डिस्ट्रॉय एसेट्स। जो रिस्क होती है फंक्शन ऑफ थ्रेट्स एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज टू ऑब्टेन डैमेज और डिस्ट्रॉय एसेट। जो थ्रेट्स होती है एक्चुअल और कंसेप्चुअल और इनहेरेंट हो सकती है, मे बी एग्जिस्टिंग होगी बट देर इज़ नो वल्नरेबिलिटी, देन देर इज़ नो, अगर वल्नरेबिलिटी नहीं होगी देन रिस्क भी बहुत कम होगी या कोई भी रिस्क नहीं होगी, डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर एक हैजार्ड है एंड देन उसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है वल्नरेबिलिटी के साथ, तो यहाँ से कोपिंग कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी जो आपस में हम उसको देख के मतलब आपस में इंटीग्रेट करेंगे, और उसका अगर जो वैल्यू है ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू कोपिंग कैपेसिटी, दैट द डिज़ास्टर रिस्क विल इंक्रीज। वैसे ही अगर जो हैजार्ड एंड डिज़ास्टर अगर हम देखें उनका वैल्यू कम आएगा, ठीक है, तो कम आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, एंड जो कैपेसिटी है तो अगर वो ज़्यादा होगी देन डिज़ास्टर रिस्क डिक्रीज होगी, डिज़ास्टर रिस्क कम होगी। तो ये आपस में ये डिपेंड करता है कौन किस डिग्री में आएगा। फॉर एग्जांपल हैजार्ड कम फ्रीक्वेंसी में आएगा बट वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो जब भी हैजार्ड आएगा देन देयर विल बी मच डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। अगर कैपिंग कोपिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी या थोड़ी सी भी होगी, फिर से डिजास्टर रिस्क तो होगा ही।
तो उसके अलावा की कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिस्क जो है डिज़ास्टर, अब ये हमने डिज़ास्टर रिस्क यहाँ पे देखा, अब इसकी क्या क्या जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड होती है। पहली हैज़ार्ड, उसकी जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सीवियरिटी जो है उसको बोलते हैं। देन एक्सपोजर, कोई भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर या पॉपुलेशन कितना एक्सपोज है टूवर्ड्स पर्टिकुलर डिज़ास्टर। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी में भी फिजिकल सोशल जो हमने पिछली डिफिनेशन में पढ़ा। देन कैपेसिटी मेजर्स, जो हमारी प्लानिंग है, सोशल कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी, मैनेजमेंट जो भी है, ये पूरे जितने भी चार ये पैरामीटर्स है, ये डिपेंड इन पे डिपेंड करता है कि डिज़ास्टर रिस्क ज़्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ पे अगर एच फॉर हैज़ार्ड, वी फॉर वल्नरेबिलिटी, ई फॉर एक्सपोजर, अगर इन तीन को मिला के ये ऐड होंगे, फॉर एग्जांपल वो कोपिंग कैपेसिटी से को इसको माइनस करें, मींस कि देखो ये हैज़ार्ड जब आएगा, थोड़ा भी आएगा या बड़ा भी आएगा, मींस इट इज़ पॉजिटिव टूवर्ड्स द, मतलब डिज़ास्टर रिस्क इससे इंक्रीज हो सकता है, एक्सपोजर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट डिज़ास्टर रिस्क इंक्रीज ही होगा इससे। एंड वल्नरेबिलिटी इससे भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, कितना वल्नरेबल। बट जो कोपिंग कैपेसिटी है, ये इन तीन फैक्टर्स, जो इन तीन फैक्टर्स को मिला के जो वैल्यू आता है उनको अगर माइनस करेंगे, देन उससे हमें डिज़ास्टर रिस्क मिलता है। तो जो डिज़ास्टर रिस्क इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद द हैज़ार्ड, एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी, एंड नेगेटिवली रिलेटेड विद द कैपेसिटी जो मेजर्स है। तो यहाँ पे एक और सर्कल आप देख सकते हैं, तीन सर्कल्स है, जब आपस में इनको ओवरलैप करते हैं तो एक एरिया पे जहाँ पे तीन ओवरलैप करते हैं, उससे एरिया से हमें पता चलेगा कितना रिस्क है। जितने ये नज़दीक होंगे उतना ये सर्कल ज़्यादा बड़ा होगा, एंड उससे पता चलेगा कितना रिस्क ज़्यादा होगा। तो अब एक डायग्रामेटिकली हम देखेंगे व्हाट जो हमारे डिफरेंट हैज़ार्ड्स, एक हैज़ार्ड कैसे वल्नरेबिलिटी को मीट करता है, एंड देन उसके बाद डिज़ास्टर कैसे आता है, और उसके बाद हम क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें करते हैं, देन वी विल डिस्कस दैट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल। जो वल्नरेबिलिटी होती है, इट इज़ इट डिपेंड्स, जो वल्नरेबिलिटी तीन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, रूट कॉजेस, डायनेमिक प्रेशर्स एंड अनसेफ कंडीशंस। देखो वल्नरेबिलिटी एक सिंगल हम बोल सकते हैं टर्म है, बट इसके डिफरेंट कॉजेस है। एक रूट कॉज है, लिमिटेड एक्सेस टू पावर स्ट्रक्चर एंड रिसोर्स, ये रूट कॉज है, ये बेसिक कॉज है, इस पे हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास कोई पावर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्स नहीं, उसकी वजह से जो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो उस वल्नरेबिलिटी के रूट कॉजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल उससे डिफरेंट जो है वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है फॉर इकोनॉमिक बिजनेसेस के लिए। स्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे, देन कोई भी आंधी तूफान, बारिश, स्नो जो भी आ जाएगा तो हमारी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी। रिसोर्स नहीं होंगे, मीन्स हमारे पास एक्सपर्ट नहीं होंगे, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, तो उससे वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो उसके अलावा डिफरेंट आइडियोलॉजिकल जो है आइडियोलॉजीज है, वो भी रूट कॉजेज में आता है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कितना है, हम हाउ मच वी इन्वेस्ट इन द इम्प्रूविंग द मीन्स के जो हमारा कंडीशंस ऑफ आवर सोसाइटीज, आवर कम्युनिटीज, देन इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हाउ सेफ वी आर इवन इफ द डिजास्टर स्ट्राइक, हमारे में कितनी कैपेसिटी है कि अगर हम इकोनॉमिकली साउंड है तो ऑब्वियसली हमारा जो रिकवरी है बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा। तो सेकंड जो फैक्टर है दैट इज़ डायनेमिक प्रेशर्स, इसमें लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस अगर नहीं है, कम है, तो वैसे ही हमारी जो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ट्रेनिंग ऑफ जो हमारे वॉलेंटियर्स, उनकी ट्रेनिंग प्लस अवेयरनेस, अप्रोप्रिएट स्किल्स वगैरह, लोकल इन्वेस्टमेंट, लोकल मार्केट, मीडिया फ्रीडम, इथिकल स्टैंडर्ड्स, ये पूरा जो है लैक ऑफ, अगर इनका लैक होगा, ये अवेलेबल नहीं होगी, देन वल्नरेबिलिटी ऑब्वियसली विल इंक्रीज। देन मैक्रो फोर्सेस, अदर जो फोर्सेस जो जिस पे हमें और ध्यान देने की जरूरत है, जैसे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ऑब्वियसली उनकी वल्नरेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। देन रैपिड अर्बनाइजेशन, उससे भी वल्नरेबिलिटी, आर्म्स एक्सपेंडिचर, डेबिट रिपेमेंट्स,
डिफॉरेस्टेशन, डिक्लाइन इन सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये अदर प्रेशर्स है जो डायनेमिक प्रेशर में ये चेंज होते रहते हैं, बेसिकली ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। देन अनसेफ कंडीशंस, अब जितने भी हम मतलब ये दो हमने देखे हैं, ये पॉलिटिकल है, पॉलिसी रिलेटेड है, और दे आर सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल टेंजिबल थिंग्स और इंस्टीट्यूशनल थिंग्स। बट जो अदर जो ये दो जो इस किन कंडीशंस में परफॉर्म करेंगे उसको उन कंडीशंस में हम अगर देखेंगे, वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम अगर होगा, फ्रेजाइल फिजिकल एनवायरनमेंट होगा, डेंजरस कोई किसी दो डेंजरस लोकेशन पे हम अगर करेंगे, जैसे कश्मीर वैली इज मोस्ट वन ऑफ द हाईली आर्म्ड जो यहाँ पे मिलिट्राइज्ड जोन है, तो मीन्स यहाँ पे डेंजरस लोकेशन, इट इज़ वन ऑफ द मीन्स जो फोकस पॉइंट तीन कंट्रीज का जो एटॉमिक कंट्रीज है, तो दैट इज़ डेंजरस लोकेशन। वैसे ही यहाँ की जो वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है टूवर्ड्स अ डिजास्टर। अनप्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर हम अर्थक्वेक रिलेटेड बात करेंगे तो। फ्रेजाइल लोकल इकोनॉमी, ये भी मुझे लगता ही है यहाँ आपके लिए बहुत सूट करता है। लाइवलीहुड यहाँ पे रिस्क है, जॉब्स नहीं है, लो इनकम है, तो वल्नरेबल सोसाइटी, स्पेशल ग्रुप्स एट रिस्क, जो मैंने कहा दलित वगैरह, जो हमारी माइनॉरिटीज वगैरह है वो रिस्क पे है। पब्लिक एक्शंस, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस नहीं है फॉर पर्टिकुलर डिजास्टर, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंडेमिक डिजीज, कोई पर्टिकुलर एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में कोई ऐसी डिजीज़ है वो आती है। तो ये जब पूरी ये जो वल्नरेबिलिटी मीट करती है टूवर्ड्स द हैज़ार्ड, जब ये वल्नरेबल कोई भी कम्युनिटी में ये तीनों चीज़ें होंगी, ये रूट कॉजेज होंगे कोई कम्युनिटी में, जब वो कम्युनिटी मीट करती है टूवर्ड्स द हैज़ार्ड, हैज़ार्ड में भी अर्थक्वेक, हाई विंड, सुरकेन जो बहुत बहुत सारे हैं, कोविड भी है, तो वो डिजास्टर करता है जनरेट। ये इवेंट है, ये कॉन्सिक्वेंस है, जब ये और ये मिलते हैं देन दे विल क्रिएट डिजास्टर। तो ये प्रिवेंट हो सकते हैं, तो हमारी क्या डिफरेंट जो है उसकी, मैंने भी कहा रिस्क कितनी है, तो उसका जो है अदर एक्सपोजर कितना है, वल्नरेबिलिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिजास्टर भी होगा। तो अब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, जैसे नेचुरल मैन मेड मेन बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम आगे जाएंगे तो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में जैसे फ्लड्स आएंगे रिलेटेड टू द क्लाइमेट, बेसिकली सुनामी, साइक्लोन, हुरिकेन, साइक्लोन एंड हुरिकेन आर ऑलमोस्ट सेम, तो बट उनका जो है डिफरेंट काइंड ऑफ किस लोकेशन में आएंगे, टाइफून, स्नो स्टॉर्म, ब्लिजर्ड, हेल स्टॉर्म, तो टोपोग्राफिकली जो अर्थ में आते हैं, देन अर्थ को एक लैंडस्लाइड वगैरह, देन एनवायरमेंटल में जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो है, ओजोन डिप्लीशन है, सोलर रेडिएशंस, सोलर फ्लेयर, एल नीनो बेसिकली साउदर्न ऑसिलेशन भी इसको बोलते हैं, इसमें पैसिफिक ओशन में जो ओशन वाटर्स है उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है पर्टिकुलर इक्विडार, पीरो, उसमें जो है रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड देन उसमें जो फिश जो उनका बेसिकली मेन इकोनॉमिक जो उसका बैकबोन है दैट इज़ फिशिंग, तो उसकी वजह से फिशिंग वहाँ पे जो फिश नहीं आती है बिकॉज ऑफ द वार्म करंट्स, वार्म वाटर करंट्स, तो उसकी वजह से वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में वाइल्ड फायर्स होते हैं, गर्मी बढ़ जाती है ओवर द ग्लोब, एंड उसकी वजह से रेन्स भी होते हैं कुछ कुछ एरियाज़ में ज़्यादा, तो ये नेचुरल डिजास्टर है। देन मैन मेड डिजास्टर में जैसे टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर में ट्रांसपोर्ट फेलियर हो सकता है, पब्लिक प्लेस फेलियर, फायर, इंडस्ट्रियल में केमिकल स्पिल्स, रेडियो एक्टिव स्पिल्स, वॉर में वॉर, टेररिज्म, सिविल अनरेस्ट, कैंपस शूटिंग वगैरह हो सकता है।